पिछले कल मंडी जिला में हुई भारी बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान के कारण जहां कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, वहीं सरकारी और निजी संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त हम मंडी शहर में ब्यास नदी के तट पर मौजूद हैं। हम आपको यहां का दृश्य जो वो दिखाना चाहेंगे, जहां पर आपको ये ब्यास नदी दिख रही है, इससे कहीं ज़्यादा दूर इसका बहाव रहता है। लेकिन अब जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि कुल्लू ज़िला में वहाँ पर डैम फटा है मलाना गांव में, और उसका जितना भी पानी है और जितना भी बहाव है वो सारा ब्यास नदी में आया है, तो उस कारण यहाँ पर जलस्तर काफ़ी बढ़ गया। लेकिन गनीमत यही है इस बार कि इस बार ब्यास नदी ने अभी तक किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं किया है, जबकि लास्ट ईयर की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान ब्यास नदी ने किया था। कईयों के घर जो है वो लीन लिए थे और बहुत ज़्यादा नुकसान जो हुआ था। इसके साथ साथ अगर हम दर्शकों को जानकारी दें तो मंडी जिला के पद्धर उपमंडल के तहत जो ग्राम पंचायत धमचान आती है, वहाँ का जो रामबन गांव है, वहाँ पर बीती रात करीबन 11 बजे जो है वो क्लाउड ब्रस्ट की घटना रिपोर्ट हुई है। इस घटना में 3 परिवारों के 11 लोग जो है वो इसकी चपेट में आए हैं। एक व्यक्ति को जो है वो सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 शव जो है वहाँ से निकाले जा चुके हैं। 8 लोगों की तलाश अभी भी जो है वो जारी है। हालांकि प्रशासन की जो टीमें हैं वो रात को ही वहाँ पर धमचान पंचायत के रामबन गांव में चली गई थी, लेकिन सड़क कनेक्टिविटी ना होने के कारण, क्योंकि जो सड़क वहाँ गांव के लिए जाती है या अन्य जो संपर्क मार्ग है वो सारे के सारे क्षतिग्रस्त थे, इसलिए ना मशीनरी पहुँच पाई और ना ही प्रशासन की टीम जो है वो रात को पहुँच पाई। आज सुबह प्रशासन की टीम जब वहाँ पर पहुँची है तो फिर स्थानीय लोगों की मदद से और प्रशासन का जो बचाव दल NDRF और SDRF का गया है, उनकी मदद से फिर वहाँ पर जो है वो राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया है। अभी तक 2 शवों को जो है वो निकाल लिया गया है। इसके अलावा अगर हम मंडी जिला की बात करें तो मंडी जिला से होते हुए जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है, वो मंडी से कुल्लू तक जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने के कारण या फिर जो नाले हैं उनका मलबा जो है वो हाईवे पर आने के कारण बाधित हो गया था। लेकिन हमें जानकारी मिली है कि अब इस हाईवे को एक तरफा यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। मंडी से कुल्लू के लिए अगर कोई इस हाईवे से सफ़र करना चाह रहा है तो उन्हें हिदायत दी गई है कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही इस हाईवे पर सफ़र करें, अन्यथा हो सके संभव तो अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। इसके अलावा मंडी जिला की 100 से अधिक सड़कें जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं वो इस कारण जो है वो बंद पड़ी हुई हैं और उन्हें खोलने का जो कार्य है वो भी लगातार जो है वो जारी है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन की तरफ से लोगों से यही अपील की गई है कि वे नदी नालों के नज़दीक ना जाएँ, और यदि किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो प्रशासन की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं, उन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क लोग कर सकते हैं।